जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है क्योंकि महादेव ही ऐसे देव हैं जो अपने भक्तों की जल्दी ही सुन लेते हैं। साधारण जल अर्पित करने मात्र से ही भोलेनाथ शिव अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और उसे मन चाहा वरदान भी दे देते हैं। लेकिन जल के अलावा भी भगवान शिव को कुछ चीज़ें बेहद प्रिय है जिन्हें अर्पित करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। महाशिवरात्रि का पवित्र पर्व आने वाला है और ऐसे में आपको चाहिए कि आप भोलेनाथ को अति प्रिय सामग्री शिवलिंग पर अवश्य ही अर्पित करें। तो आज इस वीडियो में हम आपको भोलेनाथ शिव को अति पसंद वस्तुओं की जानकारी शेयर करने जा रहे हैं और साथ ही साथ हम यह भी बताने का प्रयास करेंगे कि यह वस्तुएँ आखिर भोलेनाथ शिव को क्यों पसंद है। तो आइए शुरू करते हैं। यह तो सभी को मालूम है कि भोलेनाथ को जल अर्पित किया जाता है, मगर क्यों? पुराणों के अनुसार देवताओं और दानवों के द्वारा समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन के दौरान कालकूट नामक हलाहल विष निकला जो कि संपूर्ण सृष्टि के विनाश के लिए काफी था। तो लोक हित में भोलेनाथ शिव ने उस विष का पान कर लिया, मगर वो विष इतना खतरनाक था कि उससे स्वयं भोलेनाथ शिव की जान को भी खतरा था और इसीलिए भोलेनाथ शिव ने उस विष को अपने कंठ में ही रोक लिया, जिससे महादेव का कंठ नीला पड़ गया और महादेव नीलकंठ कहलाए। विष पीने के बाद में शिव के शरीर में तेज उष्मा पैदा होने लगी। तब समस्त देवी देवताओं ने शिव को जल अर्पित करना शुरू किया ताकि विष की उष्मा से कुछ तो तसल्ली मिले, विष की उष्मा को कुछ शांत किया जा सके और शिव को शीतलता प्रदान की जा सके। और इसीलिए सभी देवी देवताओं ने लगातार शिव पर जल अर्पित किया और इसीलिए आज भी शिव पूजा में भोलेनाथ शिव को जल अर्पित किया जाता है। अगली वस्तु है बीलपत्र। भगवान भोलेनाथ शिव को त्रिनेत्र माना जाता है और बील पत्र को तीन नेत्रों का प्रतीक माना गया है और इसीलिए भोलेनाथ शिव को बील पत्र अर्पित किए जाते हैं। बील पत्र तीन पत्तियों वाला बील पत्र भोलेनाथ शिव को अत्यंत ही प्रिय है। कहते हैं कि भोलेनाथ शिव का पूजन बील पत्र अर्पित किए बिना कभी पूरा नहीं होता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ शिव को तीन पत्तियों वाला बील पत्र ओम नमः शिवाय लिखकर अवश्य अर्पित करें। और अगली वस्तु है आंकड़ा। जी हाँ दोस्तों, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार शिव पूजा में एक आंकड़े का फूल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। आंकड़े का फूल शिव पूजा में विशेष माना गया है। कहते हैं कि भोलेनाथ को आंकड़ा बेहद पसंद है और शिव को आंकड़े के फूल अर्पित करना बहुत ही अच्छा माना गया है। यदि आप भोलेनाथ शिव को आंकड़े का फूल अर्पित करके इच्छा जाहिर करते हैं तो वह इच्छा आपकी अवश्य ही पूर्ण होती है। यह भी माना गया है कि भोलेनाथ शिव को आंकड़े का फूल अर्पित करना सोने के दान के बराबर है। तो भोलेनाथ शिव को इस महाशिवरात्रि के दिन आप आंकड़े का फूल अवश्य ही अर्पित करें। भोलेनाथ शिव को अति विशेष पसंद चीज़ों में अगली चीज है धतूरा। जी हाँ दोस्तों, भोलेनाथ शिव को धतूरा बेहद पसंद है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भोलेनाथ शिव कैलाश पर रहते हैं और ये क्षेत्र अत्यंत ही ठंडा क्षेत्र है जहाँ ऐसे आहार और औषधि की जरूरत पड़ती है जो कि शरीर के तापमान को सेट कर सके। वैज्ञानिक दृष्टि से भी धतूरा यदि कम मात्रा में लिया जाए तो औषधि की तरह ही काम करता है और शरीर को अंदरूनी गर्माहट देता है। लेकिन देवी भागवत पुराण के अनुसार शिवजी ने जब सागर मंथन से निकले हलाहल विष को पी लिया था तब वो व्याकुल होने लगे क्योंकि वो विष बेहद ही खतरनाक था। तब अश्विनी कुमारों ने भांग, धतूरा, बेल आदि औषधियों की मदद से शिवजी की व्याकुलता को दूर करने का प्रयास किया और उसी समय से भोलेनाथ शिव को भांग, धतूरा बेहद प्रिय होने लगा। तो अगली वस्तु है भांग। जी हाँ दोस्तों, शिव हमेशा ध्यान में रहते हैं, समाधि में रहते हैं और भांग ध्यान को केंद्रित करने में काफ़ी उपयोगी साबित होती है और इसीलिए शिव हमेशा परम आनंद में रहते हैं। इसके अलावा समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष को पी लेने के कारण जब भोलेनाथ शिव व्याकुल हो गए तो अश्विन कुमारों ने भांग, धतूरा शिवजी को अर्पित किया जिससे उनकी व्याकुलता कुछ कम हो जाए।
और इसीलिए उसी समय से भोलेनाथ शिव को भांग भी बेहद पसंद है। अगली वस्तु है दूध। जी हाँ दोस्तों, श्रावण मास में दूध का सेवन विशेष रूप से निषेध माना गया है। श्रावण मास में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए और उसे शिव को अर्पित करने का विधान बताया गया है, और इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन आपको थोड़ा कच्चा दूध भोलेनाथ शिव को अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। अगली वस्तु है चावल। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि शिव को चावल अर्पित करने से शिव सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। चावल को अक्षत के नाम से भी जाना जाता है। अक्षत का अर्थ होता है कि जो टूटा हुआ ना हो, जो खंडित ना हो। अक्षत का रंग सफ़ेद होता है और पूजन में अक्षत का उपयोग लगभग सभी देवी देवताओं के पूजन में अक्षत का उपयोग किया जाता है। किसी भी पूजन के समय गुलाल, हल्दी, अबीर और कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्षत अवश्य ही चढ़ाए जाते हैं। अक्षत ना हो तो शिव का पूजन कभी पूर्ण नहीं होता है। यहाँ तक कि यदि आपकी पूजा में कोई आवश्यक सामग्री नहीं है तो उसके स्थान पर चावल चढ़ाए जा सकते हैं। तो चावल का सभी देवी देवताओं के पूजन में एक विशेष महत्व माना गया है, तो फिर देवों के देव महादेव के पूजन में चावल को कैसे छोड़ा जा सकता है। और इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन आपको चाहिए कि आप एक मुट्ठी भर चावल भोलेनाथ शिव को अवश्य ही अर्पित करें। अगली वस्तु है चंदन और केसर। जी हाँ दोस्तों, चंदन का वर्णन शीतलता से किया जाता है। भगवान शिव अपने मस्तक पर चंदन का त्रिपुट लगाते हैं। चंदन का प्रयोग कई बार हवन में भी किया जाता है। इसकी खुशबू से वातावरण और अधिक खिल जाता है। यदि भोलेनाथ शिव को चंदन केसर में घोलकर चढ़ाया जाए तो इससे समाज में मान सम्मान यश बढ़ता है, और इसीलिए आपको चाहिए कि भोलेनाथ शिव को महाशिवरात्रि के दिन चंदन और केसर अवश्य चढ़ाएं। अगली वस्तु है भस्म। कहते हैं कि शरीर पर भस्म लगाकर भोलेनाथ शिव स्वयं को जीव मात्र की आत्मा से जोड़ते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के बाद बची हुई राख में उनके जीवन का कोई अंश कण नहीं बचता है। ना कोई सुख, ना कोई दुख, ना कोई बुराई, ना कोई अच्छाई, और इसीलिए मुर्दे की राख को सबसे अधिक पवित्र माना जाता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई गुण अवगुण नहीं होता है। और इस राख को भगवान भोलेनाथ शिव अपने शरीर पर लगाकर उन्हें सम्मानित करते हैं। इस संबंध में एक कथा भी है। कहते हैं कि जब सती अपने पिता के घर में भोलेनाथ शिव का अपमान सहन ना कर सकी तो स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया, तो क्रोधित होकर शिव ने उनके भस्म को उनकी पत्नी की अंतिम निशानी मानकर अपने शरीर पर लगा लिया, ताकि सती भस्म के जरिए हमेशा उनके समीप रहे। तो यदि संभव हो तो महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ शिव को थोड़ा भस्म भी अवश्य अर्पित करें। इसके अलावा शिव को शहद, गन्ने का रस, ऋतुफल, दूर्वा इत्यादि भी महाशिवरात्रि के दिन अर्पित किए जाते हैं। मगर एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, भोलेनाथ शिव को शंख जल, तुलसी, हल्दी, सिंदूर इत्यादि भोलेनाथ शिव की पूजा में शामिल नहीं किए जाते हैं। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए और इन चीज़ों को भोलेनाथ शिव के पूजन में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। यदि आप कुछ ना कर सकें तो भोलेनाथ शिव को दूर्वा और जल अर्पित करके भी प्रसन्न किया जा सकता है। मगर यदि आपके सामर्थ्य में है तो आप इन सारी चीज़ों को भोलेनाथ शिव को महाशिवरात्रि के दिन अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। मैं ये नहीं कहता कि केवल जल चढ़ाने से भोलेनाथ शिव प्रसन्न नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, जरूर होंगे। यदि आपका मन स्वस्थ है, यदि आपका मन साफ है तो भोलेनाथ शिव तो केवल जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। मगर ये सारी चीज़ें भोलेनाथ शिव को अत्यंत ही प्रसन्न है, और यदि आप इन सारी चीज़ों को अर्पित करते हैं तो फिर भोलेनाथ शिव से तो आपका याराना दोस्ताना होना वाजिब ही है। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए, और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान, जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।